सनम जावेद को आज 13वें मुकदमे में इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया था। कैमरों के चार्ज कर रहे हैं, पीछे कैमरे लाइट चल रहे हैं। गिरफ्तार किया था जहां ये मलिक के खिलाफ तमाम रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पे उकसाने का इल्जाम था। आज हम सुबह 9 बजे अदालत में आए। सनम जावेद को दोपहर 1 बजे प्रोड्यूस किया गया। 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अदालत में मुफस्सिल दलाइल हुए। 3:30 से लेकर 5:15 बजे तक तकरीबन 2 घंटे जज साहब ने अपना ऑर्डर डिक्टेट किया। तफसीली दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि ये भी मुकदमा 13वां सनम जावेद के खिलाफ पहली मुकदमा था। रुक जाओ, कोई मकसद इसलिए सुनो, रुक जाओ, देखें और सारे के साथ और अब सनम जावेद बाजाबता तौर पर आप समझते हैं रिहा हो गई है। जब सब सनम जेल से निकली, जिस मुकदमे में इसको जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया या जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया, अब भी इस्लामाबाद पुलिस ने कल जाके गुजरांवाला से अरेस्ट किया। हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह हम सनम जावेद को अभी लेके बाहर निकल रहे हैं और कोई सनम जावेद को पुराने पैटर्न के मुताबिक अरेस्ट नहीं करने आया, यही हमारी उम्मीद है। नहीं, ना ही हम यहाँ से जल्दबाजी में भाग रहे हैं, ना ही हम कहीं जा रहे हैं। सनम जावेद ने 15-16 महीने जिस तरह का अपना रेजिस्टेंस या दलेरी से, बहादुरी से स्माइल दे के मुंह पे जिस मुकदमे को सामना किया है, जिस तरह इन मुकदमा का सामना किया है, कतई तौर पर भी इसका करैक्टर आपके सामने डिफाइन हो गया कि ये बुज़दिल खातून नहीं है। और बड़ी ही जवां मर्दी से, बड़ी ही इज्जत से और बड़ी बहादुरी से और पाकिस्तान की लिटिगेशन की तारीख में ये वाहिद खातून है जो इस उम्र में जिसको सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज किया गया, और ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद खातून है जिससे इस उम्र में जिस तरीके से ऑनरेबल तरीके से, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ तरीके से, इंतहाई दलेरी से मुकदमा का सामना किया, ये अपनी मिसाल आप है। हम समझते हैं कि इसी तरह जिस तरह सनम जावेद खान है, इसी तरह जो बाकी खवातीन है, मैं बार बार कह रहा हूँ खवातीन है, ये हमारी सबकी सांझी माएँ, बहनें, बेटियाँ और बीवियाँ हैं। बराए मेहरबानी डॉक्टर आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी जितनी खवातीन हैं, बाकी जो खवातीन हैं, जितनी खवातीन हैं, इनको इसी तरह सनम जावेद की तरह फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए। आपसे हमारी गुजारिश ये होगी कि आज बहुत ज़्यादा तफसीलन सनम जावेद से सवाल जवाब मत कीजिएगा, चंद एक सवाल कर लें। अगले मुकदमे का भी मेरे साथ खड़े हैं, हर जगह आए हैं, जो मर्जी केस होता रहे।